ऐसा वक्त आने वाले कल को निकल जाएगा, लाशें जिंदगी को निकल जाएंगी और हर तरफ तबाही का नाच होगा। जाहिर है कि यूनिक्रॉन ग्रह की नींव तक पहुंचना चाहता है, उसी जगह से जहां से हम उसकी देखरेख करते थे। हमारी आज तक की सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। तो अब हम क्या करें? हम यूनिक्रॉन की फौज और वेल के बीच की दीवार बन जाएंगे। हमारा हथियार होगा वॉरशिप और उसकी वॉल्ट में रखे हुए सभी नायाब रेलिक्स। जब मैंने उसमें देखा था तो सिर्फ पोलैरिटी गॉन्टलेट और इमोबिलाइजर था। जो भी हो, हमें इस वक्त उनकी जरूरत है। मैं खुफिया हथियार लेकर आता हूँ। बल्कहेड, तुम इस शिप को उड़ा पाओगे? कौन की शिप्स? उड़ाना आसान होता है नहीं? रैचेट, इस दुनिया को बचाने में पहले भी तुमने जान लगा दी थी। तुम हमें कहां ले जा रहे हो? हमें ये जानने का हक है। कैसे हो मेरे साथी डिसेप्टिकॉन्स? स्टारस्क्रीम, चलो शुक्र है आखिरकार हम इस मनहूस शिप से निकल पाएंगे। नहीं डॉक्टर, बल्कि हमें शिप को ले जाना होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। प्राइमरी फ्यूजन कैनन्स, नल रेज, आयन ब्लास्टर्स, इन्हीं के बलबूते पर हम यूनिकॉर्न की फौज से लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बम्बलबी, शायद ये कहने का कभी मौका ना मिले, मैंने तुम सा जांबाज नहीं देखा। और मैंने हमेशा बोलने में नहीं सिर्फ करने में यकीन किया है आरसी, और मैंने जो कुछ सीखा है एक माहिर बॉट से सीखा है। कितना अच्छा होगा अगर ऑप्टिमस इसी वक्त यहाँ आ जाए। मैं तो उस दमदार टू व्हीलर की बात कर रहा था। ऑटोबॉट्स, वॉरशिप मेरे हवाले कर दो। ना ना ना, देखो कैसे ये इमोबिलाइजर आगे बढ़ते हुए बॉट्स को जमा देता है, वो भी एक्टिवेट होने से पहले। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, स्मोक स्क्रीन तुम्हें बचाने की हालत में बिल्कुल नहीं है। फंस गए। स्काइलिंग्स, देखो हम जैसा एक और। हाँ जरूर डार्क स्टील, लेकिन हमसे ज्यादा शक्तिशाली। सारी की सारी हड्डियां गायब हो गई, हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी को छीन कर ले गए। तुम्हें उन्हें उठकर चलता हुआ देखना चाहिए था। वो जिंदा है? नहीं, वो बस जिंदा लाशें हैं। डार्क मैजिक, ये उसी शैतान ने किया होगा जो मेगाट्रॉन के अंदर बसा है। खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुम जिंदा हो, वो शैतान बहुत ताकतवर है। क्या तुम्हें अपनी प्रजाति के लिए अफसोस नहीं हो रहा? हम तीनों इस बात का सबूत हैं कि हमारी शक्तिशाली प्रजाति फिर आबाद हो सकती है। हमें उन्हें हर हाल में वापस लाना होगा। अगर तुम में जरा भी खुददारी है तो चलो मेरे साथ और लड़ो। तुम्हें किसने हमारा मालिक बनाया? मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। स्टारस्क्रीम ऐसी गलती नहीं करेगा, वो हमारे बिना यूनिक्रॉन के सामने टिक भी नहीं पाएगा। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं इस वॉरशिप का इस्तेमाल लड़ने के लिए नहीं बल्कि बर्बाद होने वाले इस ग्रह से दूर, बहुत दूर जाने के लिए करने वाला हूँ। पृथ्वी ठीक रहेगी, अब तो यूनिक्रॉन भी वहाँ नहीं रहना चाहता। चुप हो जाओ, अब कंट्रोल से दूर हट जाओ बल्कहेड, नहीं तो जमा दूंगा। तुमने सिर्फ एक बात पर गौर नहीं किया स्टारस्क्रीम, तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो इमोबिलाइजर नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बोलते बंद कर दूंगा। अब तो यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। नॉकआउट, हमें उसकी जरूरत थी। क्या ये वाकई इमोबिलाइजर है?